तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और हम एक प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे, लेकिन सुबह उठने में मुझे लेट हो गया है, फिर भी हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने का। यहाँ पे हम अपने बिस्तर को छोड़ चुके हैं और देखते हैं कि आखिर कितना टाइम हो रहा है। यह है मेरा स्टडी टेबल और इसी में हम लोग को पढ़ाई करना है और आज हम परसेंटेज को करने वाले हैं। अरे 8:18 हो गया, इतना लेट में हम उठे हैं, बताइए। परसेंटेज कंप्लीट करने का टारगेट है आज हमारा और देखते हैं हो पाता है कि नहीं। और चलिए मुंह धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा छत से आते हैं, छत में देखते हैं कि किस तरह का अभी मौसम है। बज तो रहा है लगभग 8:30 और ये है मेरा छत से व्यू, मेरे अगल बगल में इस तरह का है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह देखने में, शांति, बहुत शांति लगता है। और देखिए इस तरफ से भी हम आपको दिखाते हैं, ये है। और यहाँ पे देखिए पढ़ने वाला कभी भी पढ़ सकता है, ये लोग सुबह से पढ़ाई कर रही है, चलिए हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। अब हम लोग चलते हैं छत से नीचे और चूँकि काफ़ी लेट हो गया है मुझे, तो नीचे आने के बाद मुझे पता चला कि मैंने चना भिंगो के रखा था और इसको हम लोग खाएँगे। इसमें काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। अब आते हैं हम अपने स्टडी टेबल पर, ये है मेरा स्टडी टेबल और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का नोट्स, जिसमें ऑलमोस्ट हम सारे टाइप को कवर किए थे जो भी वन डे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इस नोट को आज हम कंप्लीट करेंगे, पूरे अच्छे से कंप्लीट करने का सोचे हैं, प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया है 8:28 पर, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे, हार नहीं मानना है। चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि लेट से उठने के बाद मन भी फ्रेश नहीं रहता है जिससे पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना है। पढ़ाई अगर लेट से भी उठे हैं तो पढ़ाई उतना ही एफिशिएंसी और एफर्ट लगा के करना है जैसा कि हम लोग करने का सोचे हैं, ठीक है। मोटिवेशन के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर वर्क करें। लेकिन यहाँ पर मेरा लाइट भी चला गया, पढ़ने का सोचिए और लाइट चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाहर निकल के पढ़ेंगे। और यहाँ पे बाहर पे मैं बैठ गया हूँ बाहर वाले रूम में। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए मैंने सोचा कि परसेंटेज से स्टार्ट करूँ। परसेंटेज से स्टार्ट करने का मेरा इसलिए मन था क्योंकि अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं परसेंटेज से रिलेट करता ही है उसका हर क्वेश्चन। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज अगर हम लोग परसेंटेज के टाइप को क्लियर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कितने टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम उसे डील कर सकते हैं, क्या लॉजिक होती है क्वेश्चन के पीछे, तो कल जब हम कोई चैप्टर बनाएंगे इससे रिलेटेड कोई लॉजिक आएगा तो हम उसे सॉल्व करने में समर्थ रहेंगे। इसलिए परसेंटेज को देखा जाता है कि जितने भी टीचर्स होते हैं वो भी पहले पढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन परसेंटेज को बनाते बनाते एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बनेगा तो ज़रूर बनाइए और लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये आप जानते हैं सेल्समैन से रिलेटेड है, ये भी एक टाइप है परसेंटेज का जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता ही है। तो हम 2 आवर का प्रोडक्टिव स्टडी करने के बाद अभी और कंटिन्यू रखे हैं क्योंकि एक तो लेट से उठे हैं और ऊपर से हमको कम्प्लीट भी करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, अगर ना हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। बना ही रहा था कि कुछ समय बाद लाइट आ गया तो मैं बाहर से आ गया हूँ अपने रूम में स्टडी टेबल पे और यहाँ पे मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेरिजन टू अदर प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि आपको लाइट वगैरह भी लगा हुआ है, शांति लगता है, थोड़ा मन भी करता है पढ़ने का। ठीक, परसेंटेज का पहला स्लॉट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लगभग 70% परसेंटेज को कंप्लीट लगभग कर चुके हैं और अब दूसरा स्लॉट 3 आवर का रखे हैं, लेकिन हमको लगता है इसी बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज। और परसेंटेज को कंप्लीट करने के बाद हमको जो भी चीज़ पता चला कि आपको भी ये पता होगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करने आना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन और किसी भी परसेंटेज का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब समझ लीजिए न्यू है, ठीक है, बेस है परसेंटेज का। और मल्टीपल का और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक ऑफ क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस करना होगा तभी हम इफेक्टिव स्टडी में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं किसी भी चीज़ को
तो नीचे में टोटल आता है, ऊपर में जो चाहिए मान वो आता है। इस सब का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेसिक है और आप लोग को ये पता ही होगा। तो जो हम पढ़े हैं हम उसी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। और ये है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ़ 620 इज़ एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम इतना ऑफ इट सेल्फ द ओरिजिनल नंबर इज़, तो जो भी नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये एक बेसिक तरीका भी है, जो कि 9 को मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड करके, ये भी तो पता ही होगा आपको। और टाइप्स ऑफ परसेंटेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्वेश्चन आता है। अगर न्यूमरेटर को इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो फ्रैक्शन ये निकल के आता है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग को भी देखे होंगे आप लोग भी। एरर परसेंटेज पे आता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करना था किसी एक नंबर को और गलती से दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई हो गया तो एरर कितना परसेंट का आया, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल का लेंथ में इंक्रीज, ब्रेथ में डिक्रीज, इस तरह का क्वेश्चन जो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया से आता है, और प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सब टाइप को कभी नहीं छोड़िएगा। इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन बनता है। किसी पर्सन का इनकम इतना है, ठीक है, और वो इतना से इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंडिचर इतना था वो इतना से डिक्रीज हो जाता है, तो सेविंग कितना है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आप लोग ने देखा होगा। और ये सब परसेंटेज का टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इनकम टैक्स से रिलेटेड आता है, किसी का भी इनकम जो है, टैक्स जो देता है मंथली ईयरली, और जो नेट इनकम रेस्ट बचता है इसका सम के बराबर होता है, ठीक है। कॉमन सेंस बेस्ड पर भी क्वेश्चन आता है इसमें, जो आपको जैसे कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन कि किसी गांव का पॉपुलेशन इतना है, मेल का इतना परसेंटेज है, फीमेल इतना परसेंटेज है, उसमें से इतना परसेंटेज मेल का मैरिज हो गया है, शादी हो गया है, तो इससे रिलेटेड लॉजिक भी आता है। स्कूल के बॉय गर्ल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्कूल में इतना परसेंट बॉय है तो गर्ल कितना परसेंट होगी अगर इतना टोटल, ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट है, ठीक है, और एक्स वाई, एक्स अगर वाई से 25% ज़्यादा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, इस टाइप का क्वेश्चन। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बेस बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए 20% एक बंदा मार्क्स लाता है, इस टाइप से क्वेश्चन देखे होंगे, और वो 140 मार्क्स कम लाता है पासिंग मार्क्स से, और एक बंदा है 40% मार्क्स लाता है और 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से, इस टाइप से भी लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जिसमें विनर, लूजर, इनवैलिड वोट, डिड नॉट कास्ट, डिड नॉट वोटेड, ये टाइप का क्वेश्चन आता है। सेल्समैन से क्वेश्चन आता है, कमीशन, बोनस, ये सब का पता होना चाहिए। अगर सेल्समैन ने इतना का सेल किया तो बताइए कि सेल्समैन को कितना का फ़ायदा हुआ, ये सब लॉजिक है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से आता है कि अगर ओनली इंग्लिश में इतना परसेंट बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, ओनली मैथ में इतना परसेंट बच्चा पास या फेल हुआ, बोथ में इतना हुआ, तो बताइए टोटल कितने जन फेल हुए, ऐसे टाइप से। इवोपरेट जैसे कि अंगूर, ऑरेंज, वाटरमेलन, इवोपरेट हो जाता है, ठीक है ना, वाटर और पल्प का हिस्सा होता है, पल्प हमको पता है कि कभी भी इवोपरेट नहीं हो सकता है, तो उसको इक्वल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अधिकतर परसेंटेज में लॉजिक से क्वेश्चन आता है, अगर आपको कैलकुलेशन करने सही से आए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करने सही से आए। ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्राइस इनटू कंजप्शन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और जो हम टाइप जो टाइप का हम डिस्कशन कर चुके हैं उसी टाइप से रिलेटेड है। ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, ये इसमें पूछा गया है, यहाँ पे हम इसका आंसर दिए हैं, और करेंट कंजप्शन, करेंट प्राइस को आप इसका आंसर आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन हम आपको वीडियो के बीच में दिए थे जब हम बना रहे थे क्वेश्चंस को, तो ये है वो क्वेश्चन, ठीक है ना, जो सेल्समैन पे बेस्ड है, और सेल्समैन पे बेस्ड ये क्वेश्चन जो कि 9% कमीशन मिलता है और 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है 30,000 से ऊपर का सेल करने पर। अगर वो उसको 1% बोनस हर बार मिलता तो 1% ऑफ 30,300 होता, यानी कि अब जो 81,300 रुपया जो दे रहा है कहाँ पे, कंपनी में, वो 300 रुपया कम देता, बस ऐसी लॉजिक है, बस समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सेल्समैन को आप 10% का क्या बोलते हैं, उसमें से लाभ मिल रहा है जो कि वो
जितना का सेल किया है उसका 10% उसको मिल रहा है, यानी कि वो कंपनी में दे रहा है कितना, 81,000, ठीक है। और ये 90% के बराबर है, 100% का मान पूछा था, यानी कि सेल्समैन में ने पूरा कितने का सेल किया इसके बारे में पूछा था, और ये है इसका आंसर कि 100% बराबर 90,000। आई होप आप लोग इससे खुश होंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के ब्लॉक में जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था उस पर हम परसेंटेज को टारगेट किए और परसेंटेज के जितने भी टाइप्स होते हैं हम उसे कवर करने का कोशिश किए, और उन टाइप्स को जो आप लोग भी देखें उसको आप भी एक प्रोडक्टिव स्टडी के साथ ज़रूर कवर कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड टाइप है। ये इन्हीं से अधिकतर 90 से 95% क्वेश्चन इन्हीं से ही हर एग्ज़ाम में आता है, ट्रस्ट मी। और आप लोग खुद भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आप अगर एक भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको इस टाइप से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। चाहे परसेंटेज को सॉल्व करने में, इसको पूरा समझने में एक सप्ताह ही क्यों ना लग जाए, आप इसे अच्छे से समझें, आप अपने टाइम को मैनेज करें, 3-3 आवर का स्लॉट्स बनाएं या फिर 2-2 आवर का ही बनाएं, लेकिन पूरे फोकस के साथ उसमें स्टडी कीजिए, उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कल हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, टाइम एंड वर्क का हम लोग कल देखते हैं और उस पर क्या क्या टाइप्स बन सकते हैं और किस तरह से किया जाए व्लॉग 2 में हम देखेंगे। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और थैंक्स।